प्रेस्टीज का जो 100 PV का एक बिजनेस प्लान है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पहले महीने आपने इस बिजनेस को बहुत अच्छे से सीखा, बहुत अच्छे से किया, और आपको सीखना जरूरी है। इसके बहुत सारे फंडे हैं जो आपको सीखने जरूरी है। कौन से? मार्केटिंग प्लान की नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छा होना चाहिए, एप्लीकेशन की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, और भी कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर आपको प्रोस्पेक्टिंग एंड प्रेजेंटेशन अच्छे से आ जाना चाहिए। तब अगर आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने का मजा तब है। साथियों, ये 100 PV का प्लान आपके बिजनेस को 4 चांद लगा सकता है। आप सोच रहे हैं कि कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने बिजनेस को सीख करके करना शुरू किया और आपने यहाँ पर किया 6 लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट, यानी कि आपने कुछ लोगों को देखा और उनसे प्रोस्पेक्टिंग की, उनसे बातचीत की। इसमें आपके 2 दोस्त भी हो सकते हैं, 2 पड़ोसी भी हो सकते हैं, 2 रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इनको आपने बिजनेस प्लान दिखाना है। और मैं आपको बता दूं, ये जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं आप, ना कि अपने लिए काम कर रहे हैं। बल्कि अपने लिए तो हो ही रहा है, बट आपकी आने वाली पीढ़ियों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो इमोशनली इस बिजनेस को समझना है और इसको फायदे देखना है कि मुझे फायदा क्या मिलने वाला है। आप एक ऐसा पेड़ लगा रहे हैं जो आपके पूरे परिवार को खुशहाली और फल फूल दे सकता है। साथियों, ये जो 6 लोग हैं आपके प्राइम कैटेगरी लीडर्स हैं, इनको आपने संभालना है, इनको आपने सिखाना है वो बिजनेस जो आपने खुद सीखा है। इनके साथ काम करना है और इनको कराना है 100 100 PV, और इससे स्टार्ट करना है अपने बिजनेस को। और आपके ये 600 PV जनरेट होते हैं, आपके खुद के 100 PV जनरेट होते हैं, तो टोटल PV आपके होते हैं 8, यानी कि आपका जो 700 PV आपको लगभग लगभग यहाँ पर क्या दे सकता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका लेवल हुआ 8% का पहले ही महीने, ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी शुरुआत करते हैं। आपको परफॉर्मेंस पेमेंट मिलता है यहाँ पर लगभग 468 रुपया, और साथ में फ्री प्रोडक्ट आपको 250 रुपए के मिलते हैं, और प्रोडक्ट वाउचर मिलता है आपको 750 रुपए का। तो आप यहाँ से लगभग 1468 रुपए का फायदा ले सकते हैं। ठीक है, ये इसका ओरिजिनल बिजनेस प्लान है। इसमें अलग से कोई स्कीम अगर कंपनी चलाती है तो वो एक अलग आप एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। मंथ 2, यानी कि मंथ 2 में किया क्या आपने? मंथ 2 में आपने खुद का 100 PV, क्योंकि ये रीबाइंग का बिजनेस है, आपने अपने 6 लोगों से भी रीबाइंग कराया, और वो जो नॉलेज आपने यहाँ से इकट्ठी करी थी, एक महीने में बड़े आराम से आप इन 6 लोगों को वो बिजनेस प्लान बता करके, वो सारी चीजें बता करके तैयार कर सकते हैं मार्केट के लिए। जी हाँ, तैयार कर सकते हैं, इनका भी ग्रो होना का जो आपका बिजनेस आगे बढ़ाएगा। साथियों, इन लोगों ने भी अपने 6 6% के साथ काम किया और आपके बिजनेस के अंदर एक ऐसा बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया कि आपका नेटवर्क तो बड़ा होगा ही, आपकी नेटवर्थ भी बड़ी होने लगेगी। किस तरीके से होगा काम, कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। आपने अपना 100 PV किया, आपके 6 लोगों ने 100 100 PV किया, और ये जो 6 6 लोग नीचे आए हैं नए, इनके द्वारा तो इन लोगों ने भी अपना 600 100 PV करके लगभग 3600 PV और एड ऑन किया। तो टोटल PV आपका बनता है 4300 PV, और आपका लेवल होता है 10% का। जी हाँ, 10% के लेवल पर आपको कितना पेचक आ सकता है वो मैं आपको अप्रोक्सली बता रहा हूँ, लगभग 4500 रुपए का। यानी कि पहले महीने आपका लगभग 450+ का आया था, परफॉर्मेंस पे काउंट कर रहा हूँ, और इस महीने लगभग 10% और बढ़ चुका है आपका पेचक, यानी कि 4500 रुपए का हो चुका है। और ये मैं अप्रोक्सली बता रहा हूँ आपको, इसको आप ज्यादा भी कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं, यानी कि मंथ 3। मंथ 3 में आपने किया क्या? आपके 100 PV खुद के, खुद सेल्फ पीवी किया आपने, रिबाइंग किया, अपने 6 लोगों को आपने एड ऑन किया था, उनके 6 लोगों को एड ऑन किया था। अभी तक यहाँ तक कहानी स्टार्ट हुई थी। अब मैं बात करता हूँ कि जो 6 लोग नए आए हैं, 6 6 लोग, उनके द्वारा भी अगर 6 6 लोग और बिजनेस के अंदर आते हैं, क्योंकि आप 6 6 लोगों का कल्चर अपनी टीम को दे रहे हैं, तो आपके 36 36 लोग और इस बिजनेस के अंदर एड ऑन होते हैं, लगभग 216 लोग। आप सोचिए कि टीम कितनी बड़ी हो सकती है, यानी कि तीसरे महीने ही आपकी टीम कितनी बड़ी हो सकती है, इसका सिर्फ आप एक अंदाजा नहीं बल्कि कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जो लोग कैलकुलेट करना जानते हैं, जो लोग पेपर पर अपना वर्क करेंगे, जो अपना डेटा मेंटेन करेंगे, वो इस बिजनेस के अंदर पैसा कमाएंगे। आपने खुद 100 PV किया, आपके 6 लोगों ने 100 PV किया, आपके 36 लोगों ने 100 100 PV किया, आपके 216 लोग जो नए आए हैं उन्होंने 100 100 PV किया। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपको डिग्निटी मेंटेन करनी होगी। जिस व्यक्ति को बिजनेस के अंदर ला रहे हैं तो उसको ये चीजें पहले ही आपने कवर अप करके बतानी है। और यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट खड़ा होता है, 25500 PV आपके बनते हैं। डायरेक्टर बोनस, LOB प्लस परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलना शुरू होता है, और यहाँ पर आप डायरेक्टर तो बन ही जाते हैं, साथ में आपका पेचेक लगभग 45000 से लेकर 50000 का होगा। अब आप सोचेंगे साहब 450, फिर 4500, अचानक 45000 कैसे? जी हाँ, वेस्टीज की यही पावर है दोस्तों, वेस्टीज की यही पावर है। और अभी तो रुकिए सही, अभी तो मैं आपको चौथे महीने में लेकर के जा रहा हूँ, जहां से आप बहुत बड़ा पेचेक ले सकते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे या तीसरे महीने में इस बिजनेस को छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस को सीखते नहीं है, जो सीख लेते हैं वो आगे दूरदर्शिता खड़ा कर देते हैं। देखो दोस्त, जो आदमी बड़ा बनना है ना, वो आगे का भविष्य देख लेता है कि आगे का भविष्य क्या होता है। इसलिए कहता हूँ कि डेटा काम करना काम करता है। अपना डेटा मेंटेन कीजिए, डेटा पर अपना पूरा पूरा नेटवर्क देखिए, कहाँ पर कहाँ दिक्कत आ रही है उसको ठीक करिए। और यहाँ पर आपको 50000 से प्लस का पेचेक मिलता है। और मैं आपको बात करता हूँ मंथ 4 यहाँ पर क्या होगा। 36 लोग आपके नीचे आ चुके हैं, उसको आप बढ़ा सकते हैं। कैसे कैसे मैं आपको बता रहा हूँ।
आपने खुद ने रीबाइंग किया यानी कि आपका खुद का 100 पीवी हुआ, आपके 6 लोगों ने 100 पीवी किया यानी कि 600 पीवी, 36 लोगों ने किया 3600 पीवी और 216 लोगों ने रीबाइंग किया तो आपको 21600 पीवी निकलते हैं। टोटल अगर मैं बात करता हूं तो आपका रीबाइंग ही लगभग 25500 पीवी हो जाता है, 25500 पीवी आपका रीबाइंग होता है। और जब ये 216 लोग अपने 600 लोगों को एड ऑन करेंगे तो 1296 लोग नए एड ऑन होते हैं आपके बिजनेस के अंदर जो 100 पीवी करते हैं, तो 129600 पीवी जनरेट होते हैं। टोटल अगर मैं मिलाऊं इसको तो लगभग 155500 पीवी आपके बनते हैं और आपका लेवल बनता है क्राउन डायरेक्टर का। जी हाँ, एक वो शानदार लेवल आपका निकल करके आता है जिसका इंतजार आप बहुत दिनों से कर रहे थे। और आप यहाँ पर देखिए, आप समझिए कि 155500 पीवी आपकी 6 लाख से निकले हैं तो 1 लाख से कितना निकला, लगभग 25916 पीवी। तो अगर ये 25916 पीवी आपके मल्टीपल एलओपी दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे आपको, यानी कि 1 ही लाख से अगर 25916 पीवी है तो मान के चलिए कि कम से कम 2 से 3 आपको एलओपी आ रही है वहां से, तब जाकर के आपको ये सब पीवी आ रहा है। साथियों, अगर मल्टीपल एलओपी आ रही है तो समझ लीजिए कि पेचेक बहुत बड़ा होने वाला है। कितना बड़ा होना है मैं आपको दिखाता हूँ, एक कैलकुलेशन के आधार पर दिखाता हूँ। 155500 पीवी है आपके और आप जानते हैं कि एक पीवी की कीमत 30 रुपए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब 155500 पीवी को आप ₹30 से मल्टीपल कीजिए तो आपका टर्नओवर कितना बनता है, लगभग 46,65,000 आपका टर्नओवर बनता है। साथियों, इसका अगर मैं 10% भी निकाल लूं, जैसे कि बिल्कुल इस तरीके से एक्यूरेट से निकल जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8%, 10%, 9% के हिसाब से आपका पेचेक निकलता है, तो आपका पेचेक यहाँ पर कितना बनता है, 4.5 लाख से लेकर 5.5 लाख तक का पेचेक आप यहाँ पर ले लेंगे, ले सकते नहीं है बल्कि ले लेंगे। तो ये आपको इंतजार करना है यहाँ तक पहुंचने का, और इस तरीके से आप अगर बिजनेस करते हैं तो एक फैंटास्टिक पेचेक आपका इंतजार कर रहा है और अपनी लाइफ को आप एक इस और लेके चले जाएंगे जिसको कहते हैं सिग्निफिकेंस लाइफ। साथियों, वेस्टीज के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी कारें भी चला रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे घर भी खरीद रहे हैं, बस उन्होंने यकीन किया है अपने ऊपर, अपने मेंटरशिप के ऊपर और वेस्टीज के मैनेजमेंट के ऊपर और अपने लीडर की मेंटरशिप के ऊपर। इसी को आप कह सकते हैं कि एक शानदार प्लेटफॉर्म आपको मिला है, आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं बात करता हूं आपको अफोर्डेबल प्राइस की, यानी कि बहुत सारे लोग कहाँ रुक जाते हैं आकर के, वो रुक जाते हैं प्राइस पर। मैं आपको प्राइस दिखाना चाहता हूं, मैं सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट की प्राइस आपको दिखाना चाहता हूं। नाम है राइस ब्रान ऑयल। जी हाँ, 510 रुपए का ये आपका प्रोडक्ट पड़ता है और आपको ये मिलता है 452 रुपए का। आज के समय पर इसका 452 का रेट चल रहा है 2 लीटर का, तो एक कितने का हो गया, 226 रुपए का। तो दोस्तों, अगर मैं इसको काउंट करूं यहाँ पर और कैलकुलेट करूं तो 226 में से भी आपको कुछ और माइनस होने हैं। अभी तो डीपी प्राइस माइनस हुआ है, एमआरपी माइनस हुआ है, फ्री स्कीम 10%, कैशबैक 5 से 11% और सीएनसी का फायदा आपको 20% मिलता है। टोटल अगर मैं बता दूं तो 35 से आपको 41% का फायदा मिलता है, यानी कि 35% to 41% अभी इसका आपका सूद मिलने वाला है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। 226 में से अगर 35% और निकाल दूं तो लगभग 79 रुपीज बाहर निकलते हैं और 41 निकाल दूं तो लगभग 92 रुपीज निकलते हैं। माइनस करते हैं 226 रुपए में से तो आपके सामने इस तरीके से कैलकुलेशन आती है, यानी कि 140 रुपए से डाउन होते होते 133 रुपए तक आपको ये पड़ने लगता है जब आप 11% पर पहुंच जाते हैं। तो आप सोचिए कि 133 रुपए और 140 रुपए का मैं बीच का ले लेता हूँ, 140 रुपए का, यानी कि लगभग 140 रुपए लीटर आपको ये राइस ब्रान ऑयल पड़ रहा है। अब आप मुझे मार्केट से कंपैरिजन करके बताइए कि मार्केट में जो कुकिंग ऑयल है उसका रेट क्या है, भी आपको ये पड़ रहा है 140 के करीबन, तो ये क्या महंगा है या सस्ता है। ठीक इसी प्रकार से आप वेस्टीज के सभी प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं आपके इस कैलकुलेशन के हिसाब से।